इंद्रप्रस्थ की राजगद्दी पर तीसरी बार केजरीवाल। हारने वालों ने फ्री वाले फॉर्मूले पर दागे सवाल। दिल्ली वासी झूठे विज्ञापन और फ्री के प्रवाह में बह गए हैं। क्या फ्री के सहारे केजरीवाल सत्ता में पधारे? जब हर तरफ है मुफ्त गिफ्ट का राग, तब सिर्फ दिल्ली पर क्यों है मुफ्तखोरी का दाग? जीवन की बुनियादी सुविधाएं हैं जनता का अधिकार। ये ड्यूटी है कि वो अपने सभी नागरिकों को सारी सुविधाएं दे। जिंदा रहने के लिए सुविधाएं निशुल्क दी जाती हैं। सहायता मिलनी चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से चल रहा है वो नकारा बना रहा है। टैक्स का रिटर्न क्यों ना दे टैक्स देने वाली सरकार? मुफ्त पर हंगामा क्यों? स्वागत है आप सभी का R9 टीवी की इस विशेष कवरेज में। मैं हूं जब्बार खान। राजधानी दिल्ली के सियासी रण में राजनीति के धुरंधरों को धूल चटाते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन शपथ समारोह से पहले विरोधियों ने केजरीवाल की जीत को मुफ्तखोरी करार दिया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि दिल्ली की जनता ने उसे सिंहासन पर बिठाया है जिसने दिल्ली वालों में मुफ्तखोरी की आदत शुरू कर दी है। बीजेपी के नेताओं ने किस आधार पर मुफ्तखोरी का तमगा दिल्ली और केजरीवाल के माथे पर जड़ा है, समझिए। मैं सभी दिल्ली वासियों को लोकतंत्र के बागानों में नफरतों के बीच पनपे उन्नति के बीच अंकुरित होने का जश्न है। ध्रुवीकरण की थार पर फिसली राजनीति को प्रगति के पथ पर पहुंचाकर तिरस्कार करती सियासत को जनादेश से संदेश देने का समारोह है। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के बदले शासन द्वारा समाज को सताने की सोच को बदलने की सीख का सार है ये। मैम, 70 साल में ऐसा पहली बार किसी मुख्यमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली बार ऐसा किया। अगर काम किया हो तो वोट करना नहीं, बनना वोट मत करना। आप 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल जी ने बोला था, अगर काम किया तो वोट करना, बनना वोट मत करना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री है, 70 साल आजादी के बाद हम लोगों ने देखा। हम लोग यहाँ पर रह चुके हैं, हमने देखा है बहुत सी पार्टियां आई, लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 70 साल आजादी के बाद पहला राज्य का मुख्यमंत्री है जिसने काम के नाम पे वोट मांगा। जामिया, शाहीन बाग, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान के पैमानों पर लड़ी गई दिल्ली की चुनावी लड़ाई आखिरकार विकास की झाड़ू पर आकर खत्म हुई। धर्म की सियासी दीवारों पर विकास की चोट करते हुए दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल का खुलकर साथ दिया। दिल्ली के लिए बहुत कुछ करेगी आम आदमी पार्टी, अब यहाँ से पूरी भारत में पार्टी फैलेगी। 5 साल में काम करके दिखाए हैं, मुश्किल से 30% की पावर है अरविंद जी के पास। जितने बेहतर एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, बिजली पानी पे किए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में वो एक इतिहास रचेंगे काम के आधार पे। केजरीवाल का जादू सर चढ़ के बोले, केजरीवाल का जादू सर चढ़ के बोले। शिक्षा में खूब काम किया, एजुकेशन में खूब काम किया, दिल्ली दिल से बोले, केजरीवाल का जादू सर चढ़ के बोले। अब जब अरविंद केजरीवाल इंद्रप्रस्थ के आंगन में सजी राजगद्दी पर तीसरी बार बैठने जा रहे हैं, तो विरोधी जमात उनकी इस जीत को मुफ्त वाली राजनीति का सौदा बताकर निशाना साध रही है। दिल्ली वासी झूठे विज्ञापन और फ्री के प्रवाह में बह गए हैं।
मैं इस बात को समझता हूं कि लोगों को 3 महीने से बिजली पानी का बिल फ्री आ रहा था। सियासी समाज से लेकर सोशल मीडिया तक कोई दिल्ली के चुनावी नतीजों को बिजली पानी मुफ्त करने का नजराना बता रहा है, तो कोई इसे पॉलिटिक्स का फ्री वाला फ्यूचर प्लान बता रहा है, तो कोई इसे समाज सेवा की संज्ञा दे रहा है। दिल्ली की जनता ने खुद सोच समझ के वोट करा है, ऐसा कुछ नहीं है कोई चीजें फ्री में है। अभी आप कैग की रिपोर्ट देखेंगे तो कैग की रिपोर्ट में आया कि पहली ऐसी गवर्नमेंट है जो प्रॉफिट में चल रही है, और कैग ने ऐसी कोई मतलब बिना कुछ सोचे समझे तो कोई रिपोर्ट नहीं दी हुई हो। और इससे पहले तो शायद मैंने नहीं सुना कि क्या कहते हैं कैग की कोई रिपोर्ट आई और गवर्नमेंट जो है क्या कहते हैं प्रॉफिट में चल रही हो। इवन तो गवर्नमेंट भी प्रॉफिट में और चीजें भी लोगों को मिल रही है उन्हीं की तरीके से। कुछ लोग किसी एक तरफ झुकाव बना सकते हैं, कुछ लोग किसी एक तरफ झुकाव बना सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोग एक साथ अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को आगे लेके आ रहे हैं, तो वास्तव में उसके काम की वजह से लेके आ रहे हैं। किसी भी स्टेट का या किसी भी नेता का, किसी लीडर का, सीएम हो, पीएम हो, सबका ये ड्यूटी है कि वो अपने सभी नागरिकों को सारी सुविधाएं दे, वो सस्ते में दे या फ्री में दे, ये उसकी ड्यूटी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब देश में मुफ्त की राजनीति का मुद्दा गर्म होने जा रहा है? क्या देश की राजनीति अब गाय गोबर जाति धर्म से हटकर मुफ्त के सौदे पर सवार होने जा रही है? और क्या अब सियासी दलों को सत्ता हासिल करने के लिए मुफ्त वाला फॉर्मूला संजीवनी के तौर पर मिल गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और जाहिर तौर पर जब मुफ्तखोरी की बात उठती है, सियासत में मुफ्तखोरी की बात जब खास तौर पर उठती है, तो जनता के राय भी सामने आती है। दिल्ली से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में जनता क्या सोचती है केजरीवाल की जीत के बारे में, केजरीवाल के मुफ्त फॉर्मूला के बारे में, या फिर जनता को दी जाने वाली वो मुफ्त स्कीमें दरअसल ऐसी सुविधाएं हैं जो कि बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए और जो सरकार की जिम्मेदारी है। आइए सुनते और देखते हैं, समझते हैं उन्हीं की जबान में। वो है ना कि अगर हम पे है तो फिर तो सही है, लेकिन कोई और करे तो वो चीज गलत हो जाती है। तो पार्टीज को ये चीज समझनी चाहिए कि वो अगर योजनाएं दे रहे हैं, अगर उनसे सेटिस्फाई नहीं हो रहे लोग, तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना। वो तो नॉर्मल एक जो पब्लिक है उस पे है कि वो किसको वोट्स देंगी। इसमें मुफ्तखोरी का टैग देना तो कोई मतलब जरूरी नहीं है। तो यूपी में लैपटॉप बांटे तो मुफ्तखोरी तो बहुत टाइम से चल रही है। लैपटॉप बांटे और सरकार बन गई, सीएम की पोस्ट पे आ गए अखिलेश यादव। तमिलनाडु में साड़ियाँ बांटी गई, वहाँ पे भी लैपटॉप बांटे जयललिता ने, वहाँ पे भी ये हुआ। तो यही फंडा केजरीवाल ने भी अपनाया और शायद लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। सभी पार्टियाँ इलेक्शन के टाइम पे सब दिखाती हैं अपने आप को, ये लेकिन दे रही हैं तो सबको इक्वल देना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा तो मुफ्तखोरी जो वर्ड है वो नहीं एप्रोप्रिएट है? नहीं नहीं, मुफ्तखोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जनता को सहूलत तो मिल रही है और पार्टीज नहीं दे रही हैं सहूलत को, लेकिन ये पार्टियाँ सहूलत दे रही हैं लोगों को, जनता को। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है चीज़ का, कि पानी मिल रहा है, दवा का पानी है और बिजली है, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसकी सुविधाएं लोग लो, लो ले रहे हैं जो पार्टियां और नहीं दे पा रही। तो ये मुफ्तखोरी वर्ड कहाँ से है? मुफ्तखोरी वर्ड यूज करना ठीक है? और पार्टियां भी तो करती है। नहीं, मुफ्तखोरी करना तो ठीक नहीं है। खैर, पानी का बिल फ्री कर दो, मैं बस महिलाएं के लिए फ्री कर दो, कैसे चलेगा सब बता दीजिए। बगैर रेवेन्यू का देश चलने वाली है? कोई नहीं चला सकता है। ये तो आपको जो है मीठी लॉलीपॉप मिल रहा है कि आप खाओ, आप घूमो बाजार में, बस से सफर करने, लाल किला देख लिया, कुतुब मीनार देख लिया, छतरपुर घूम लिया, सब कुछ देख लो, और क्या करना है यहाँ। फिर तो हो गई जो है आपको जो है बैठा दिया घर में कि चलो हम तो फ्री जा रहे हैं, पैसे तो किराया लगने नहीं है, आप आपके बच्चे फ्री। जो गरीब लेवल के हैं उनको दे रहे हैं, बड़ा अच्छी बात है, लेकिन जो टैक्स पे कर रहे हैं तो टैक्स पेयर को भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ये मेरा विचार है। मैनिफेस्टो में भी यही था कि हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, ये कौन सा अपनी जेब से देते हैं? गवर्नमेंट मिडिल इनकम वालों के जो टैक्सेस पे करते हैं, ऑनेस्टली उन्हीं का पैसा जाता है एक्चुअली। ये सभी कर रही हैं, या तो सभी बंद करें, और या ये डिसाइड होना चाहिए कि इस परसेंटेज से ज़्यादा कोई भी अपने बजट का फ्री में नहीं बांट सकता, वो सबके लिए लागू होना चाहिए। एक को टारगेट करने से कोई फायदा नहीं है, कल एक करा है सभी करेंगे, और सब कर रहे हैं इसलिए वो हो रहा है।
तो जनता के अपनी अलग अलग राय है, जनता का अलग अलग मिजाज है, मगर इससे वैश्विक पटल पर अगर देखें तो दुनिया के कई विकसित देशों में सरकारें जनता की सहूलियत के लिए फ्री सेवाएं सुविधाएं प्रदान करती हैं। भारत में भी फ्री की परंपरा आज से शुरू नहीं हुई, 80 के दशक से देश की राजनीति में फ्री फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, जिसे केजरीवाल दिल्ली में अपना रहे हैं। दिल्ली में क्या क्या फ्री हैं और किन राज्यों में फ्री फॉर्मूले पर रिसर्च चल रहा है, देखिए। असली बादशाह वही जो जन मन भाए। और ये धर्म बीते 5 साल में अरविंद केजरीवाल ने बखूबी निभाया है, तभी तो दिल्ली की जनता ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सामने लाल किले की मजबूत दीवार सरीखे खड़े अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की कमान सौंपी। मैं सभी दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हिंदू मुस्लिम और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर झाड़ू लगाते हुए जनता ने केजरीवाल को फिर से दिल्ली का तबंग बना दिया। अगले 5 साल के लिए दिल्ली की कमान पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के हाथों में है, मगर सियासी लोगों का मानना है कि ये जीत केजरीवाल को फ्री वाले फॉर्मूले से मिली है। दिल्ली वासी झूठे विज्ञापन और फ्री के प्रवाह में बह गए हैं। मैं इस बात को समझता हूं कि लोगों को 3 महीने से बिजली पानी का बिल फ्री आ रहा था, हमारी दिल्ली की महिलाओं को बसों में फ्री की यात्रा हो रही थी, मगर ये जो भी हो रहा था ये 3 महीने से हो रहा था। मगर मैं फिर भी दिल्ली की जनता को शुभकामनाएं देता हूँ, मैं उनके जनादेश को बधाई देता हूँ। आने वाले 5 साल हमारे कार्यकर्ता और मेहनत करेंगे। माना जा रहा है कि मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी ने केजरीवाल की जीत की कहानी रची, क्योंकि केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को 200 यूनिट तक फ्री बिजली देती है। दिल्ली में हर परिवार को 2000 लीटर पानी फ्री है। मोहल्ला क्लिनिक के तहत प्राइमरी हेल्थ सर्विस फ्री है। प्राइवेट अस्पतालों में जांच और सर्जरी फ्री है। महिलाओं के लिए DTC में सफर फ्री है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ योजना फ्री है। हर वर्ग के गरीब छात्रों के लिए कोचिंग फ्री है। सीवर कनेक्शन के साथ सीवेज टैंकों की सफाई भी फ्री है। दिल्ली के फायदे के लिए फ्री वाला फार्मूला फिट साबित तो हुआ है। इस फार्मूले से केजरीवाल फिर से सरकार बनाने में कामयाब भी हो गए, लेकिन विरोधियों के लिए ये सौदा समाज सेवा कम सियासत ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए, जब आप पावर में होते हैं और जब आप, जैसे उन्होंने इलेक्शन से पहले फ्री मेट्रो राइड कर दी, फ्री बस राइड कर दी, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो उससे कहीं ना कहीं जनता कन्विंस हो गई थी। एंड आई होप कि जो उन्होंने फ्री इलेक्शन से पहले करी थी वो 5 साल भी करें, बिकॉज आप जनता को सिर्फ इलेक्शन से पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने हमेशा ये बात करी है, आपको वायदे वही करने चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म वायदे हों। ये नहीं कि सिर्फ जनता को 3 महीने पहले आपने फ्री चीज़ें दे दी और उसके बाद आपने नहीं दी। जो चीज़ें आपने दी, आई होप कि वो उनके साथ कंटिन्यू करें और जनता उनके साथ कन्विंस रहे। मैं आज भी ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को सक्षम बनाना चाहती है, लाचार नहीं। लाचारी एक मनुष्य की ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग है। तो आई होप कि अरविंद केजरीवाल जी भी इसी से सहमत होंगे, दिल्ली को सक्षम बनाएंगे, दिल्ली को लाचार नहीं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी सरकारें जनता के लिए फ्री योजनाएं लागू करती हैं। दिल्ली की तरह पश्चिम बंगाल में 75 यूनिट बिजली फ्री है। महाराष्ट्र सरकार 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने पर विचार कर रही है। झारखंड में 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने पर सरकार काम कर रही है। सरकारों द्वारा फ्री की योजनाओं की शुरुआत 80 के दशक में तमिलनाडु से हुई। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री M.G. रामचंद्रन ने शुरुआत की। 80 के दशक में जनता को धोती और साड़ी फ्री बांटे गए। बाद में टूथ पाउडर और चप्पल भी फ्री दिए जाने लगे। फ्री वाले फॉर्मूले पर सबसे ज्यादा फोकस जयललिता की सरकार ने किया। अपने शासन काल में जयललिता ने अम्मा ब्रांड के तहत 18 कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की, जो या तो पूरी तरह से मुफ्त थी या उन पर भारी सब्सिडी दी जाती थी। जयललिता सरकार में
पिछड़ी महिलाओं को डिग्री पूरा करने पर 4 ग्राम सोना मुफ्त दिया जाता था। राज्य सरकार के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को लैपटॉप फ्री दिया जाता था। सरकारी अस्पताल में जन्मे बच्चों को सुनहर तरीके के बेबी प्रोडक्ट फ्री थे। 2011 में सरकार ने गरीबों को ग्राइंडर, मिक्सी और फैन भी फ्री बांटे। किसानों को खेती के लिए बीज मुफ्त बांटे गए, यहाँ तक कि चावल, कुकर और गैस भी फ्री में बांटे। साउथ के राज्यों से चली आ रही फ्री वाली पॉलिटिक्स आज भी देश के कई राज्यों में हावी है। 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो छात्रों को लैपटॉप फ्री में बांटे गए। ओडिशा राज्य में सभी कॉलेज में वाईफाई फ्री दिया जाता है, छात्राओं की पढ़ाई फ्री है, एलईडी बल्ब भी मुफ्त में बांटे जाते हैं। फ्री के सियासी सौदे में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी शासित राज्यों में सरकारों ने राहत के नाम पर किसानों का कर्ज माफ किया। उसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार भी किसान सम्मान निधि के नाम पर सालाना 6,000 रुपए किसानों को देती है। अरविंद केजरीवाल ने स्टार्टिंग से बहुत अच्छा किया है लोगों के लिए। उन्होंने अभी भी महिलाओं के लिए इतनी सारी सहूलतें लाई है ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने स्कूलों में काफ़ी अच्छा किया, गवर्नमेंट स्कूल्स की अब पहले की कंडीशंस देखो और अब की कंडीशंस देखो, पहले से काफ़ी सुधार आया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल लोगों का मतलब 200 यूनिट्स फ्री कर दिए हैं, लोगों को ये काफ़ी पसंद आया। कोई भी पार्टी जो भी स्कीम देती है उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्स पेयर की मनी से आ रहा है। तो जो टैक्स पेयर हैं उनको क्या मिल रहा है? अगर कोई भी ऐसी सुविधा दी जाती है तो सुविधा फिर सबको मिलनी चाहिए, और अगर सबको दे रही जा रहे हैं तो फिर इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि इसको दे दिया और उसको दे दिया और उसको नहीं। वो जीते नहीं, जो जीत गए हैं तो उसमें फॉल्ट ढूंढेंगे ही ना ढूंढेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि ना फॉल्ट ढूंढे? तो ये फॉल्ट के लिए इट इज जस्ट बेसिक अनहैप्पीनेस बिकॉज वो लोग हार गए। बहरहाल देश ही नहीं विदेशों में भी सरकारें जनता के लिए फ्री वाला सौदा अपनाती रही हैं। जर्मनी, फ्रांस और विकसित देशों में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक सब मुफ्त है। फर्क बस इतना है कि वहाँ ये सब जनता की सहूलियत के लिए होता है और यहाँ सियासत के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये तो साफ है कि दुनिया भले ही फ्री के सर्विसेज को जनता का अधिकार मानती है, मगर देश की राजनीतिक पार्टियां अपने सियासी फायदे के लिए फ्री पर फसाद करने से बाज नहीं आती। अब आपको गाजियाबाद के लोगों की राय सुनवाते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं मुफ्त की सियासत पर। सहायता मिलनी चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से चल रहा है वो नकारा बना रहा आदमी को, जो मेरा मानना है। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, अगर वो ये कर रही है तो उसके पीछे खाली इसी पीछे पड़े हैं कि उसको फ्री दे दें, उसको फ्री दे दें, उसको एक दे दें, लेकिन आखिर इकोनॉमी चल कैसे पाएगी? आज नाराज क्यों है? आज के लिए एक्चुअली उसको नेगेटिव वोट मिली है। मेरा जो मानना है केजरीवाल को नेगेटिव वोट मिली है कि पैसा तो सरकार जो है और उसे जो पैसे वाले हैं उनसे वसूल करती है, जो कमा खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और वो जा रहा है गरीबों को, हाय गरीब चल रहा है। ये मेरे हिसाब से तो कुछ बहुत अच्छा वो नहीं है। कोई भी फ्री की योजना नहीं है। अगर तो ऐसा लग रहा है दिल्ली जनता खुद भी अपने आप में बहुत समझदार है, जिन्होंने रेफरेंडम, इतना बड़ा रेफरेंडम दिया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है। और कैक की अगर तो आप रिपोर्ट देखें तो कैक की रिपोर्ट अभी ये आई है, खुद ये कहती है, क्या कहते हैं, पहली ऐसी गवर्नमेंट है जो प्रॉफिट में चल रही है। ये ड्यूटी है कि वो अपने सभी नागरिकों को सारी सुविधाएँ दे, वो सस्ते में दे या फ्री में दे, ये उसकी ड्यूटी है। ये स्टेट का काम है कि अपने सभी नागरिकों को सारी सुविधाएं दे। अब वो जैसे दे रहे हैं उस वो जनता को अच्छा लग रहा है, उनको सपोर्ट कर रही है। वो गवर्नमेंट पैसे कहाँ से ला रही है? फ्री कुछ नहीं है, टैक्स है, सब कुछ टैक्स है। और अगर नहीं, अगर वो अभी नहीं ले रहा तो वो बाद में ज़रूर लेगा, क्योंकि वो पैसे वो फ्री नहीं कर सकता। उसने एक साल फ्री करा, 4 साल फ्री क्यों नहीं करा? तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि फ्री का चल रहा है, ये तो सब एक बनावटी बातें हैं जिससे कि दूसरी पार्टियों को आगे बढ़ने का जो मौका दिया जा रहा है जनता के द्वारा, वो सब उसमें अवरोध उत्पन्न या रुकावटें पैदा करने के लिए कहा जा रहा है। फ्री कुछ नहीं है, फ्री कुछ नहीं है। अगर सरकार सेवा के लिए आई है जनता के, और अगर सेवा कर रही है, दूसरों को फ्री दिख रहा है तो उनको नहीं मिल रहा, इसलिए चिल्ला रहे हैं।
जिनको मिल रहा है उनकी सेवा हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन सी सरकार ऐसी है जो नहीं देती फ्री कुछ भी, और फ्री देती क्या है? जनता का पैसा है, जनता को ही बढ़ता है, जनता की सेवा कर रहे हैं, तो क्या फ्री की आदत पड़ गई? बोलने वालों को तो आदत होती है कि जो कुर्सी पे बैठता है दूसरे उसके अगेंस्ट बोलते ही बोलते हैं। आप यूरोप और अमेरिका में जाके देखिए, वहाँ पर तमाम जिंदा रहने के लिए सुविधाएं निशुल्क दी जाती हैं। भारत सरकार ने भी बहुत सारी सुविधाएं निशुल्क दी हैं। अब पुलिस की सुविधा है, ये निशुल्क नहीं है। न्यायालय में जाकर के जो न्याय दिया जाता है वो निशुल्क नहीं है। तमाम चीज़ें निःशुल्क होती हैं। और अगर दिल्ली की सरकार ने कुछ चीज़ें अपनी जनता को निःशुल्क दी हैं, तो दिल्ली जैसे शहर में उन सुविधाओं के माध्यम से वो लोग वहाँ सर्वाइव करेंगे और दिल्ली को बेहतर राज्य बनाने में मदद करेंगे।